नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगिता इंडियन किचन में। आज हम बनाने वाले हैं सबके फेवरेट ऐसे बेसन के लड्डू, जिसके बिना दिवाली का त्यौहार अधूरा होगा। बेसन के लड्डू बनाते समय बहुत लोगों को परेशानी होती है कि बेसन कच्चा रह जाता है या फिर वो मुंह के अंदर चिपक जाता है। बस इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो फिर झटपट बनाते हैं बेसन के लड्डू। सबसे पहले हमें बेसन को घी में भूनना है। यहाँ मैंने 200 ml पिघला हुआ घी लिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन। यहाँ पर करीबन मैंने आधा किलो बेसन लिया है। इसे हमें बहुत ही अच्छे से पेशेंस के साथ भूनना है। इस समय हमें आंच को लो से मीडियम पर रखना है। अभी आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। यहाँ हमने जो बेसन लिया है वो साधारण मार्केट में मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा मोटा और दानेदार बेसन लिया है, जिसे आप घर पर भी पीस सकते हो, या फिर आजकल मार्केट में त्योहार के टाइम में ऐसा लड्डू के लिए स्पेशल बेसन मिल जाता है। उससे आपके लड्डू दानेदार बनेंगे और मुंह के अंदर नहीं चिपकेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो करीबन आधे घंटे बाद कि बेसन से घी सेपरेट हो रहा है। हमें इसे और करीबन आधे से एक घंटे तक लो फ्लेम पर भूनना है, जब तक कि ये हल्का ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। आप यहाँ पे देख सकते हो ये अब हो गया है। इसे ऐसे भूनने से बेसन का कच्चापन निकल जाएगा और हमें बढ़िया सा लड्डू खाने मिलेगा। अभी हमें इसे 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने रख देना है। लेकिन हाँ दोस्तों, जल्दी ठंडा होने के लिए इसे फ्रिज में नहीं रखना, नहीं तो इसके अंदर का घी जम जाएगा। अभी ठंडा होने के बाद हम इसे ऐसे एक बड़ी वाली थाली में निकाल लेते हैं और इसमें अभी मैं डाल देती हूँ चीनी का पाउडर। यहाँ करीबन मैंने 1 कप चीनी डाली है। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच घिसा हुआ काजू और बादाम और थोड़ा सा जायफल। जायफल डालने से लड्डू में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अभी हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, जब तक कि चीनी अच्छे से घुल मिल नहीं जाती। अभी इसमें थोड़ी और चीनी डालते हैं। आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हो। यहाँ पर करीबन मैंने कुल मिला के 1.5 कप चीनी डाली है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं और ऐसे लड्डू बना लेते हैं। तो बस आप भी ऐसे बेसन के लड्डू बनाइए और त्योहार का आनंद लीजिए। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खाना बनाना एक सुकून का काम है। तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप आपके दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी आपको अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।